हुंडई क्रेटा मॉडल गाड़ी है और ये कुछ 55,000 किलोमीटर चला है। इसमें प्रॉब्लम बताने का क्या है, बस स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे ग्लो प्लग जो लाइट है ये ऑल टाइम ऑन है। नॉर्मली ये लाइट या किसी भी लाइट आप गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ऑफ हो जाना चाहिए, बट ये लाइट ऑफ नहीं हो रहा है और इसीलिए कस्टमर ये गाड़ी लेके आया है कि ये लाइट क्यों ऑन है। स्कैनर में जब मैंने कनेक्ट किया तो स्कैन करने में ये दिखा रहा है सिलेंडर वन ग्लो प्लग सर्किट ये एक्टिव है, ये कोड है इसमें। अगर इसको इरेज करते भी है, पहले मैं गाड़ी को ऑफ कर लेता हूँ एक बार। अब इग्निशन ऑन है, ऑफ कंडीशन में मैं एक बार फिर इसको इरेज करता हूँ। ये सक्सेसफुली इरेजिंग दिखा रहा है, लेकिन देखिए जैसे इरेज हुआ तो उसके बाद ये वापस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हिस्ट्री में अभी भी ये कोड पेंडिंग में है। फिर एक बार फिर सक्सेसफुली इरेज दिखा रहा है। अब देखिए हिस्ट्री से भी मैंने इसको पेंट उड़ा दिया। अब इस कंडीशन में फिर वापस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम को पहले प्रॉपरली एक बार देख लेना ज़रूरी है। देखिए सारा तरह से मैंने ये इरेज कर दिया बट अभी भी ये लाइट ऑन है यहाँ पे। और इसको अगर हम फिर एक बार रिस्कैन करते हैं, फिर आ गया सिलेंडर वन ग्लो प्लग सर्किट एक्टिव था, अभी पेंडिंग में है, मतलब ये फिर कुछ देर बाद चलाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट मेरा अभी भी जला हुआ है। अब इसमें मजे की बात क्या है, ये तो दिखा रहा है सिलेंडर वन ग्लो प्लग सर्किट। अब नॉर्मली ज्यादातर किसमें सिलेंडर वन क्योंकि दिखा रहा है, सपोज अगर ये सिलेंडर वन का इंजेक्टर दिखाता तो हम एक नंबर का दो नंबर में, दो नंबर का एक नंबर में, ऐसा करके उसको इंटरचेंज करके देख लेते। ऑब्वियसली ये ग्लो प्लग सर्किट क्योंकि सिलेंडर वन दिखा रहा है तो सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि चलो भाई ये एक नंबर का जो ग्लो प्लग है उसको दो नंबर में लगा के देखते हैं और दो नंबर का जो ग्लो प्लग है उसको एक नंबर में लगा के देखते हैं, तो आइडिया हो जाएगा ग्लो प्लग का प्रॉब्लम है कि नहीं। ज्यादातर किसमें ऐसा होता है, लेकिन इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी गाड़ी का अगर सिलेंडर मतलब कोई भी सिलेंडर खराब होगा ग्लो प्लग का, सपोज मान लीजिए ग्लो प्लग का प्रॉब्लम है और चार में से कोई एक में प्रॉब्लम है तब भी ये सिलेंडर वन ही दिखाएगा। डायग्राम दिखाते हैं तो समझ में आएगा। ये देखिए ये मेरे हाथ में दो, ये मैंने ग्लो प्लग सर्किट का डायग्राम खोला है और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली जो लाइन है ये फ्यूज होके ग्लो प्लग का फ्यूज है। ये ग्लो प्लग का फ्यूज होके आ रहा है, यहाँ पे ग्लो प्लग का रिले यूनिट है जो रिले लगा हुआ रहता है और यहाँ से एक लाइन सिर्फ ग्लो प्लग का डायरेक्टली चलाता है नीचे। ये चारो ग्लो प्लग है तो लाइन एक ही है और ये चारो इंजन के साथ ग्राउंडेड है, तो इसमें से कोई भी एक खराब होगा तो यहाँ से वो सिलेंडर वन ही दिखाएगा। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि शायद एक का दो में लगाने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब फिलहाल मुझे देखने होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी तक मैंने सिर्फ स्कैन किया, अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे जो ग्लो प्लग का लाइन है ये वाला लाइन है और इस लाइन से ग्लो प्लग की जो पोजीशन है देखिए ये रहा एक एक ग्लो प्लग का पोजीशन, मतलब ये ग्लो प्लग रहा वो एक और एकदम एंड में, और टोटल चारों ग्लो प्लग लगा हुआ है। इसका लाइन देखिए एक ही लाइन है, खोलो 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 वायर खोलो, ये कंप्लीट इस वायर को हम लोगों ने खोल दिया और खोलने के बाद यहाँ पे नया वायर जो है उसको फिटिंग कर रहे हैं। फाइनली इस वायर को चेंज किया है सिर्फ,
जो कि यहाँ पे दूसरा नया लगा हुआ है, देख सकते हैं इस वायर को हमने चेंज किया तो ग्लो प्लग के साथ कनेक्टेड रहता है। अब इसको चेंज करने के बाद गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। चला गया है, लाइट अभी नहीं है। फिर वापस मैं इग्निशन ऑन किया तो पहले ये लाइट आया, देखिए आके तुरंत ही ऑफ हो गया। फिर एक बार ऑफ कर रहा हूँ, ये जला जल के तुरंत ऑफ हो गया। अभी तक मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं किया और जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो लाइट नहीं जलता है, और इस कंडीशन में मेरा कुछ भी कोड वोड नहीं आएगा। अब ये क्यों हुआ है वो दिखाते हैं आपको। ये वाला जो हमने वायर को चेंज किया है, ये कवर अप किया हुआ रहता है वायर। अब इस वायर को उठाओ, ये देखिए यहाँ पे ना जल गया है, जिसके चलते ये एक्चुअली रेजिस्टेंस इसका चेंज हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया ये जलने के कारण। तो इसके लिए गाड़ी में ये एक्चुअली ग्लो प्लग का कोड दिखा रहा है, जबकि ग्लो प्लग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वायर जल गया है इसके चलते गाड़ी में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे जैसे ही इस वायर को कंप्लीट चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम मेरा शॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया। इसका चेकिंग का जो एक्चुअल स्टेप रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि जब इस पर क्यों मैंने आया। फिलहाल इसको चेंज करके फिर वापस इसका गाड़ी का माल गाड़ी में लगा देते हैं। अभी वापस जो ख़राब पार्ट था उसी को फिटिंग कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। फिटिंग कंडीशन में भी आप पहले एक बार ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक बार चेक कर लें, धुंधला हो जाता है डाउन, ये देखिए ठीक है। तो ये पुराना जो गाड़ी में प्रॉब्लम वाला पार्ट था वही लगाया। अब इस कंडीशन में अगर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, जिन लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व से मतलब है, अभी देखिए ये ऑफ हो गया, फिर वापस जल ऑन हो गया। कुछ देर के लिए ऑफ हुआ था बट फिर वापस ऑन हो गया। फिर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये इग्निशन डाला, ऑफ हुआ बट अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। ये फिर क्योंकि फॉल्ट कोड है इसीलिए ये जल रहा है। अगर स्टार्ट भी करते हैं इस कंडीशन में तो ये जला का जला ही है, क्योंकि इसमें फॉल्ट कोड है। अब जो लोगों को सिर्फ इतना तक जानना था कि सिर्फ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, उनके लिए तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन आगे का अगर डायग्नोसिस किसी को देखना है तो वो मैं आगे दिखाता हूँ। अब ये जो प्रॉब्लम है इसकी डायग्नोसिस, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इसका डायग्नोसिस का वे होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम गाड़ी में जैसा प्रॉब्लम मुझे मिला है और इसके रिगार्डिंग मैंने जो किया वही मैं शेयर कर रहा हूँ। ग्लो प्लग की जो लाइन रहता है यहाँ पे, ये कनेक्टर जो है, लाइट जलाने होगा तो हमको, तो ग्लो प्लग की ये वाला कनेक्टर है ये यहाँ पे रहता है, ये एक्चुअली आता है वायरिंग साइड से, और इधर से जो पत्ती मैंने चेंज करके दिखाया वो अलग है, ये पत्ती का साइड है। अब ये जो कनेक्टर है आपको सिंपली चेक करना है जब भी ग्लो प्लग का इशू हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेस्ट लैंप मेरे पास है, ये टेस्ट लैंप से इसका चेकिंग होगा। सिंपली आपको ग्लो प्लग की जो मेन हार्नेस कनेक्टर है उसमें एक लाइन दे देना है, और दूसरा जो है ये ग्राउंड में, इंजन ग्राउंड में बस कनेक्ट करना है। अब इसको मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इंजन का किसी भी साइड में, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया ठीक है, ये ग्राउंड में दे दिया। अब एक काम करो, तुम जाके इग्निशन को एक बार ऑन करना। अब देखिए यहाँ पे इग्निशन जैसे ही ऑन होगा तो ये ग्लो प्लग का लाइन पे, क्योंकि मैंने एक, ये देखिए लाइन ऑन हो गया। शुरू में कुछ सेकंड के लिए ये 12 वोल्ट आएगा इस लाइन पे, और उसके बाद 5 वोल्ट, और वापस फिर 2-4 सेकंड बाद ये ऑफ हो गया। फिर एक बार ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करके इग्निशन ऑन। हाँ ठीक है, देखिए शुरू में तुरंत 12 वोल्ट आया, इसीलिए उसका लाइट का फ्लैश बहुत हाई था। अभी देखिए ये धीमे हो गया, फिर ऑफ हो गया। फिर एक बार करो,
इग्निशन ऑन, ये देखिए शुरू में 12 वोल्टेज आएगा, उसके बाद वापस ये फिर विद इन 2 सेकेंड ये 5 वोल्ट में चला आएगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ये अगर हो रहा है तो आपका वायरिंग साइड जो है, ये जो वायरिंग का साइड मैंने अभी जो चेक किया, ये वायरिंग एक्चुअली यहाँ पे अगर नहीं आता है तो उस केस में आपको या तो हो सकता है ये जो रिले बॉक्स दिख रहा है, ये रिले बॉक्स एक्चुअली ये ग्लो प्लग की रिले यूनिट है, एक मॉड्यूल है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक फ्यूज रहता है ग्लो प्लग का, वो फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है। ग्लो प्लग डीजल गाड़ी में ही नॉर्मली यूज होता है, ये कंबशन चेंबर को थोड़ा प्री हीट कर देता है विंटर के टाइम पे, या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, माइनस पे रहता है, तो वहाँ पे इंजन स्टार्टिंग के टाइम पे इतना ठंडा रहता है कि आग लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए चेंबर को, जो कंबशन चेंबर है, उसको थोड़ा सा पहले से प्री हीट करके रखता है ताकि जब भी डीजल इंजेक्ट हो तो ईजिली गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम है, नॉर्मली अभी जो कलकत्ता का वेदर है वहाँ पे अगर ग्लो प्लग नहीं भी रहेगा तो तभी कोई इशू नहीं है, और इसीलिए कस्टमर को कुछ स्टार्टिंग का इशू नहीं लग रहा था। लेकिन अगर ये सपोज दार्जिलिंग या फिर कश्मीर ये सब जगह होता तो तब जाके वहाँ पे ये क्रैंकिंग होके बहुत देर तक उसके बाद जाके गाड़ी स्टार्ट होता, बट इसमें वैसा कुछ इशू नहीं था। आई होप कि मैंने ये जो वीडियो एक्चुअली किया, इसमें अगर कभी भी आपके पास ग्लो प्लग से रिलेटेड कुछ भी इशू आए तो उसका चेकिंग कैसे होगा ये एक वे आपको पता चला होगा। और कभी भी अगर ग्लो प्लग का इशू आता है तो ऐसा नहीं है कि सिलेंडर वन दिखा रहा है मतलब एक में ही प्रॉब्लम है, ये चारों का कुछ मतलब किसी में भी प्रॉब्लम होगा तो आपको एक ही दिखाएगा, क्योंकि इसका सर्किट वैसे ही बना हुआ है, इसका कोड हमेशा एक के ऊपर ही आएगा। बट चेकिंग जो है आपको पहले एक बार देख लेना है 12 वोल्टेज का सप्लाई इनिशियल स्टेज में हो रहा कि नहीं, उसके बाद वो 5 वोल्ट में चला आएगा, अगर वो आता है तो आपको पीछे की साइड देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसके बाद जो मैंने वायर आज दिखाया वो वायर चेक कीजिए और इंडिविजुअल वन बाई वन ग्लो प्लग चेक कीजिए, इसमें से ही आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।